साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह दो ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 15 और कार्यपत्रक 16। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 15, इसमें दक्षताएं समानार्थी शब्दों की पहचान कर पाना। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। बारिश, बारिश यानी वर्षा। पानी, पानी यानी जल, हम इसका मिलान इससे करेंगे। बादल, बादल यानी मेघ। आकाश, आकाश यानी आसमान। राजा, राजा यानी नृप। जंगल, जंगल यानी वन। वस्त्र, वस्त्र यानी कपड़ा। अश्व, अश्व यानी घोड़ा। मछली, मछली यानी मीन। ये था प्रश्न 1। साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। इन शब्दों के हमें समानार्थी शब्द लिखने हैं। मानव, मानव यानी मनुष्य। युद्ध, युद्ध यानी समर। ईश्वर, ईश्वर यानी भगवान। बल, बल यानी शक्ति। शत्रु, शत्रु यानी दुश्मन। संसार, संसार यानी जग। साप, साप यानी स्वच्छ। हर्ष, हर्ष यानी खुशी। अगला प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। क है फूल, फूल का होता है सुमन। दोस्त, दोस्त यानी मित्र। बगीचा यानी उद्यान। बादल, बादल यानी मेघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है, उसे पहचान कर गोला लगाइए। कहे पुत्र, पुत्र बेटा सुत। ये तीनों समान है, सखा अलग है, इसको गोला कर रखा है। कहे सूरज, चांद, सूर्य, रवि। सूरज, सूर्य, रवि तीनों एक हैं, चांद अलग है, इसको गोला करेंगे। गुस्सा, नाराज, क्रोध, खुश। गुस्सा, नाराज, क्रोध समान है, खुश अलग है, इसको गोला किया। गए फूल, वृक्ष, पुष्प, सुमन। फूल, पुष्प, सुमन एक है, वृक्ष अलग है, इसको गोला किया। संसार, दुनिया, स्वर्ग, जग। संसार, दुनिया, जग समान है, स्वर्ग अलग है, इसको गोला किया। ये था कार्यपत्रक 15। चलिए अगला कार्यपत्रक 16। कार्यपत्रक 16, दक्षताएं परिचित वस्तु के चित्र, विशेषता, उपयोग तथा नाम की पहचान कर वर्तनी लिख पाना। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर सही शब्द पर गोला लगाइए। ये देखिए, ये क्या है, इंद्रधनुष, तो ये वाला सही है, गोला लगा रखा है। ये देखिए, ये टोकरी, तो ये वाला सही है, टोकरी, इस पे गोला लगाया। प्रश्न यहाँ 2 करना है आपको। नीचे दिए गए सही वर्तनी वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। देखिए चिड़िया सही है, इसमें वाणी ये वाला सही है।
किताब ये वाला सही है, केला ये वाला सही है, कृपया ये वाला सही है। अगला है प्रश्न चार, ये तीन कर देना इसको और इसे चार करना है। चित्र में दिखाए गए मददगार जो हमारी सहायता करते हैं के नाम लिखिए, ये कौन है? पुलिस, ये डाकिया, ये किसान, अगला है प्रश्न चार, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, ये गायन, ये दुकान, ये वाला आशीर्वाद, ये बैंगन, ये हंसना, ये बकरी, ये महत्व, ये गुलाब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न छः, इसको पांच कर देना। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कीजिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अशुद्ध वाक्य शब्द दे रखे हैं, इन्हें शुद्ध करना है, उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। लट्टू, मेरे पास लाल रंग का लट्टू है, ये इसको सही करेंगे घृणा, इस प्रकार से आएगा घृणा। हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, ये शीर्षक, तो इसको सही होगा शीर्षक। इस कहानी का शीर्षक बुद्धिमान खरगोश है, इस कहानी का शीर्षक बुद्धिमान खरगोश है। सम्राट, इसका सही होगा सम्राट। अशोक एक महान सम्राट था, अशोक एक महान सम्राट था, तो ये इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 15 और कार्यपत्रक 16 समझा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएं। आप अधिक से अधिक साथियों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।